जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरीवर धारे, गोपी जन वल्लभा गिरीवर धारे, जसोदा नंदन व्रज जन रंजन, जसोदा नंदन व्रज जन रंजन, जमुना तीरा बनचारे, जय राधा माधव कुंज विहारे, जय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे,
प्रभुपाद 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 जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजाचार्य अष्टोत्तर कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जीव की जय। वृंदावन धाम की जय। कृष्ण बलराम की जय। जुगधर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरियस टू समल डिवोटीज, ऑल ग्लोरियस टू समल डिवोटीज, ऑल ग्लोरियस टू श्री गुरु एंड गौरांग श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। श्रुणतं स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तना हृदयन्तोस्तो हि अभद्राणि विधूनोति सुहृत्सता नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयाय भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिके। ओम अज्ञान तमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वंदे अहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नित्यं तं साजिवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्री विशाखानितांस। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरवे गौरचंद्राय श्रीराधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। तो आगामी जन्माष्टमी के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं, बाहर भी तैयारी चल रहा है, लेकिन हम अपने अंदर को भी तैयार करना चाहिए भावना के द्वारा, क्योंकि ये सोसाइटी का नाम भी है कृष्णा भावनामृत। तो वास्तविक हम यदि भाव को सुंदर रूप से सजाएं तो इस अमृत को हम आस्वादन कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान ये संसार में प्रकट होते हैं, क्योंकि मृत्यु संसार है, लेकिन भगवान के प्रकट है अमृत प्रदान करने के लिए। और इस अमृत प्रदान करते हैं किसके माध्यम से? भगवान अपने जन्म और कर्म के द्वारा। तो उनके प्राकट्य व जन्म की तैयारी आज से शायद शुरू हो गया ना, पहले से आज देवता लोग भगवान के आगमन के लिए किस प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम लोग उस भावना के साथ, दैन्यता के साथ भगवान के आगमन के लिए हम लोग मन को प्रस्तुत करें। तो भगवान किस प्रकार ये संसार में प्रकट होते हैं, यद्यपि भगवद गीता से हम लोग जानते हैं भगवान किस प्रकार आते हैं, जोग माया समावृता। तो अजोपि सन्नवेयात्मा भूतानम ईश्वरपि सन् प्रकृतिं सोमधिष्ठाय विसृजामि आत्ममाया। तो भगवान अपनी ही शक्ति से वो स्वयं प्रकट होते हैं, किसके आश्रय नहीं लेते हैं। तो इस परिस्थिति को जस्ट भगवान प्रिपेयर करते हैं, प्रस्तुत करते हैं कि कैसे मैं स्वयं अजन्मा होकर के मैं जन्म लेता हूँ, अकर्ता होकर के भी कर्म करता हूँ। तो इसलिए जो साधारण लोग हैं वा हो सकता है विद्वान हैं, परंतु जब तक वो भक्ति के आश्रय नहीं करता है तो अकर्ता की कर्म और अजन्मा के जन्म के विषय में नहीं समझ सकता है। जो भक्ति के पंथ को आश्रय किया है वही भगवान की जन्म और कर्म को यथारूप समझ सकता है। भक्त्यामंग अभी जानाते। तो भगवान किस प्रकार संसार में प्रकट होते हैं? इसे कहते तो अजन्मा है, फिर जन्म क्यों हुए और कैसे हुए? तो उनकी जन्म और कर्म को दिव्य व अलौकिक, अद्भुत, अमानवीय कहा जाता है। वो साधारण मनुष्य जैसे नहीं आते हैं। तो इसलिए शुरुआत सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान अपि, वो भगवान है फिर भी वो प्रकट हुए। किस प्रकार? ना विश्व आत्मा, विश्व को धारण करके, सारे जीवों को धारण करके वो विश्व के आत्मा है, अर्थात सभी जीवों को वो पालन करते हैं। परंतु भगवान की प्रकट की कारण क्या होता है? भक्तों को अभय प्रदान करना, परित्राणाय साधोना। मेरे पीछे श्लोक को दोहराइए, भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानं अभयंकरा आविवेशं सभागेन मन आनक दुंदभे। तो भगवान कहां प्रकट हुए? आनक दुंदभे, जिनकी जन्म के समय देवता लोक ने नागड़ा बजाए थे, आनक। तो आनक दुंदुभि हर्ष प्रदान करने के सूचक हैं, अर्थात भगवान विश्वात्मा और भक्तों की भय को हरने वाले किस प्रकार आ रहे हैं? ना बहुत खुशी खुशी से आ रहे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है कि भक्तों के कष्ट को दूर करूंगा, उनके क्लेश, मुझे भी कुछ कठिनाई में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन भगवान इस प्रकार टेंशन फ्री, उखुश मन से, आनक दुंदभे मना, उनकी मन भी इसी प्रकार है। आनक दुंदभे मन में भगवान प्रवेश किए कि दोनों का मन का मैच हो गया,
क्योंकि भगवान आनंदमय है और भगवान जिसके पास आते हैं उसके भी मन आनंद में रहता है। जो परेशानी आत्मा की कैसे प्रसन्न हो सकता है तो भगवान प्रसन्न आत्मा के हृदय में आते हैं। तो कैसा आए ना, अभी वैसे अंश भाग है ना, भगवान की अनेक अंश हैं जो पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए नहीं आए हैं। रामादि मूर्ति सुकला नियम न तिष्ठान, भगवान कहते हैं कि मैं समय समय पर रामादि मूर्ति को धारण करके यहाँ संसार में प्रकट होता हूँ, लेकिन यहाँ पर अंश का मतलब है समस्त अंश के साथ भगवान प्रकट हुए हैं। भूभार हरणाय च और साधुनांग परित्राणाय च और विश्व मंगलाय च, तो समस्त विश्व को मंगल करने के लिए, सभी जीवों का मंगल साधन करने के लिए, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए, तो भगवान सारे डिपार्टमेंट को साथ में लेके आए कि ये सब डिपार्टमेंट के कार्य की और दूसरे दूसरे अवतार कर लेंगे, लेकिन मुझे केवल आनक दुंदुभि के मन में प्रकट होकर के मुझे आनंद लेना है। तो भगवान श्री कृष्ण के अवतरण का प्रयोजन है अपने आनंद को, प्रियार्थम आगे शब्द आएगा, राधारानी को खुश करने के लिए, अपने ही प्रिय जन के खुश करने के लिए भगवान आते हैं और आनंद में आते हैं। तो जब भगवान आनक दुंदुभि वसुदेव के मन में प्रकट हुए तो किस प्रकार स्थिति हुई, डिस्प्ले कीजिए। स बिभ्रत पौरुषम धाम, स बिभ्रत पौरुषम धाम, भ्राजमान जथा रवेः, दुरासदो अति दुर्धस्व, भूतानं संबभूवः। किस प्रकार मन में आते हैं, ऐसे तो हम जानते हैं कोई भी प्राणी जन्म लेता है तीन प्रकार से, एक तो होता है अंडा से आता है, और जरायुज गर्भ में आता है, और उद्भिज बीज में आता है, लेकिन मन में कोई ऐसे आत्मा नहीं आते हैं, इसलिए इनके लिए कोई आत्मा शब्द प्रयोग नहीं किया गया है, इसमें कहते हैं विश्व आत्मा। तो स वही विश्व आत्मा जब आए किसके साथ आए, कहते धामा, तो धाम शब्द का मतलब है कि भगवान यदि किसी कार्य को साधन करना चाहते हैं तो अपना ही शक्ति को निवेश करते हैं और वही शक्ति को कहते हैं धाम। हम ऐसे जानते हैं कि वृंदावन धाम है, मायापुर धाम है, जगन्नाथपुरी धाम है, लेकिन धाम का असलियत यह है कि भगवान स्वयं किसी प्रयोजन के लिए अपने शक्ति को निवेश करते हैं। जैसे वृंदावन धाम हम कहते हैं अभिन्न राधारानी है, क्योंकि आनंद की द्वारा ही, भलादिनी शक्ति के द्वारा ही विस्तृत होता है। तो हम विशेष व्याख्या नहीं करेंगे, क्योंकि मुख्य हमारी प्रार्थना है, स्तुति है, देवताओं की स्तुति, उस पर चर्चा करेंगे। तो भगवान धाम के साथ आए और जिस स्थान में आए वो भी धाम है, क्योंकि जिसके अंदर विस्तृत भावना नहीं है तो भगवान नहीं आते हैं, कि महात्मा के पास भगवान आते हैं। और महात्मा की विशेष लक्षण क्या है, दैवीं प्रकृति आश्रिता, वो राधारानी के शरण ग्रहण करते हैं और अनन्य भाव से भगवान के शरणापन्न है। भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञान्त्वा भूत्वा आदि अभयम्। तो भगवान वसुदेव की मन रूपी धाम में प्रकट हुए व अपने धाम स्वरूप को उनके मन में प्रकट किए। स बिभ्रत पौरुषम धामम, यहां पर पुरुष कौन है ना, यहां पर पौरुष शब्द में कहते भगवान पुरुष हैं और उनकी जितनी सारी विस्तार है, जैसे गर्भदक्षाई विष्णु, क्षीरदक्षाई विष्णु और कारणदक्षाई विष्णु, ये भी तीन पुरुष अवतार है, और उनसे भी क्षीरदक्षाई विष्णु से जितनी सारी अवतार आते हैं ये सब पुरुष हैं। तो एक साथ
उन्होंने आनक दुंदुभी के मन में प्रकट हुए कैसे लग रहे थे ना, भ्राजमानम जथारवि, जिस प्रकार सूरज उगने पर आकाश प्रकाशित हो जाता है, आसमान प्रकाशित हो जाता है, तो उसी प्रकार भगवान सूर्य के समान, ऐसे तो हम जानते हैं कृष्ण सूर्य सम, तो वहां पर कोई किसी प्रकार की अज्ञानता व अंधकार नहीं था, भ्राजमान। इसलिए भगवान जब हृदय में प्रकट होते हैं तो माया फिर नहीं रहती है, नहीं तो तब तक माया की प्रभाव रहती है। जाबत कृष्ण न तेजना, जब तक कोई कृष्ण का नहीं हो जाता है, जब तक कृष्ण को हृदय में धारण नहीं करता है, तब तक माया के प्रभाव रहेगा। इसलिए कह रहे कि इस प्रकार भगवान को धारण करना इतनी सहज नहीं है। दुरासदम अति दुर्धर्ष, इससे भगवान सब जगह प्रकट नहीं होते, नाहं प्रकाश्य सर्वस्य जोग माया समाप्ता, फिर कहते दुर्धर्ष, उनको आकर्षित करना बा भगवान को यहां पर बुलाना ये बहुत कठिन बात है, लेकिन भगवान स्वयं अपने कुछ प्रयोजन के लिए, सिद्धि के लिए स्वयं आ रहे हैं। इसलिए भूतानम संब भुवा, इसलिए संब भुवा, ये एक साथ ऐसे नहीं है कि मैं कुछ प्लान प्रोग्राम करी जाऊं, नहीं, भगवान जब संकल्प करते हैं उस समय सारे चीज उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करने लगते हैं। स्वाभाविक ज्ञान बड़ा क्रिया, तो भगवान उस प्रकार आनक दुंदुभि बा वसुदेव के मन में जब प्रकट हुए तो उनकी मन पूरा खिल गया, प्रकाशित हो गया, और तुलनात्मक रूप से वर्णन करते हैं, जैसे काष्टम जथा नंदकरम मनस्तः दधार सर्वात्मक आत्मभूतम, तो सभी जीव भगवान में हैं, ये तो निश्चित बात है, लेकिन भगवान सभी जीव को धारण करके लेके चलते हैं ये बात तो नहीं सुने। भगवान तो केवल दृष्टिपात से ही सृष्टि करते हैं, लेकिन यहां पर सारे जीव को लेके भगवान चलते हैं। जैसे कि आगे के लीला में हम श्रवण करेंगे कि जो पुतना बद्ध और फिर मृदभक्षण लीला में माता जसोदा डांट रही है, क्यों लाला ये खाए मिट्टी खाए, तो ये कह रहे कि मैं तो खाया रसा को लिया, इसमें रस है, और मैं अकेला नहीं खाया कि मेरे जीव अंदर जितने सारे जीव है सबको मिला। और फिर पुतना लीला में ही सोच रहे हैं कि ये तो जहर लगा के आई है और मैं इसको ले लूं तो सारे जीव का क्या हाल होगा, मेरे पास तो केवल पुण्य आत्मा आते हैं, ये कैसे आ गया, इनके पास कोई पुण्य है ही क्या, ये तो है असुरणी है, बाल घातिनी रुधिरासिनी, वो कैसे सदधज करके आ गया। इसलिए भगवान ने आंख बंद करके थोड़ा चिंतन किए, मानो उसका पूर्व जन्म में कुछ सुकृति होगा लेकिन भगवान डर रहे थे मैं यदि जहर पी लूंगा सारे जीव का ही प्रभाव पड़ेगा, दुर्जरा इस प्रकार विष था। तो भगवान अच्युत है, अजगन मंगल अच्युत अंश समाहितम सुर सनेन देवी, तो ये देवी कौन, देवकी, किन सारी दैवी शक्ति उनके अंदर है, नहीं कृष्ण को कोई धारण नहीं कर सकता है, दैवी प्रकृति पर दैवी शक्ति के बिना कोई कृष्ण को धारण नहीं कर सकते। तो उनने किस प्रकार कृष्ण को धारण किए ना, आनक दुंदुभी मनस्तम, उनकी मन से, इसको कहते दीक्षा, गुरु जब दीक्षा देते हैं ना वो स्थान को, जैसे पहले देवकी के गर्भ में 6 संतान मर चुके हैं, तो हमारे अंदर जो अनर्थ है इस अनर्थ को गुरु ही नष्ट करते हैं। ये बलराम पहले आए किससे, मार मार के ठीक किए गदा से तो गुरु शासन करते हैं, गुरु मरे मूर्ख देखी करीले शासन, तो गुरु ही जब जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय, श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय, श्री श्री गौ निताय की जय। तो अच्युत अंशम, भगवान
अपने समस्त अंश के साथ, ऐसे हम जानते हैं भगवान सड़ ऐश्वर्य से युक्त हैं, क्या क्या है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य जसस स्त्रिय ज्ञान वैराग्य इति सड़ भग इति अंगण, ये सब भगवान के अंश हैं। और भगवान गीता में भी कहते हैं जज्जत विभूतिमस्वत्तम श्रीमत उर्जित एव वा तत्त देवावगच्छत्तम मम तेज अंश संभवम, उनके जो प्रभाव हैं ये भी अंश हैं और उनके स्वभाव भी हैं। ये स्वभाव को अंश नहीं कहा जाता है, स्वभाव पूर्ण रहता है, केवल प्रभाव को अंश कहा जाता है। इसलिए दसम अध्याय का नाम है भगवत ऐश्वर्य। हम प्रभाव दिखा करके किसको आकर्षित कर सकते हैं, आकर्षित करते हैं, लेकिन इसको मेंटेन करने के लिए स्वभाव चाहिए, प्रेम चाहिए, पोषण होता है इससे। कहते समाहितम सुर सतीन देवी दधार सर्वात्मक आत्मभूतम, जैसे काष्ट में अग्नि समाहित रहता है, इसी प्रकार देवकी की गर्भ में भगवान स्वयं कृष्ण आनक दुंदुभि की मन से स्थानांतरित होकर की आश्रय ली। परंतु किस प्रकार ट्रांसफर हुए ऐसे नहीं कहा जाता है कि उन्होंने हाथ रख दिए, नहीं, किसको ट्रांसफर में, केवल मन के चिंतन के द्वारा। ये एक आध्यात्मिक शक्ति है। कभी कभी ऐसे कहते हैं, अरे मैं इसे सोच रहा था, आपके बारे में सोच रहा था, आप कैसे प्रकट हो गए। ये भी कनेक्शन होता है जोग माया के द्वारा, जो भक्तों के बीच में व्यवहार है। तो भगवान मन को आश्रय करके प्रकट होते हैं। और ये मन क्या है, भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्त, जिनके मन मुझ में लगा हुआ है, मज्जा वेश्य मनोजेमंग नित्य युक्त उपासते अनन्य चेता सततम। तो ये मन को जब भक्त भगवान को अर्पित कर देता है, तो फिर भगवान उस मन में ही निवास करते हैं और उस निवास स्थान को धाम कहा जाता है। और वो जहां भी जाता है इसे भक्त, वो सर्वत्र धाम को क्रिएट करता है, क्योंकि उनके मन में भगवान है। इसलिए देवी मतलब देवकी ने वसुदेव की प्रति इतनी अनुगत थी, तो तुरंत उनकी मन से उनकी मन में प्रकट हुए और समझ आती है ये सब आनंद चिन्मय रस है, वसुदेव भी हैं, देवकी हैं, ये सब भगवान की ह्लादिनी शक्ति के विस्तार है, आनंदमय है, ये सब चिन्मय है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये सब दैव है। तो अभी देवकी एक राजकन्या नहीं है, वह किसकी पत्नी नहीं है, कहते वो स्वयं देवी हैं। और सा देवकी, ऐसे देवी देवकी सर्व जगन निवासं निवास भूतं नितरंग नरे जे, जब भगवान को उस प्रकार धारण की तो उनकी भी शोभा बढ़ने लगी। नितरंग न रेजे, ऐसे प्रकाशित होने लगा, परंतु उनकी प्रकाश को वा भगवान के जो प्रभाव जो देवकी की गर्भ में मन से फिर गर्भ में आए, तो उनको उस प्रकार लोग नहीं जान पाए जैसे सरस्वती ज्ञान खड़े न जथा सती। खड़े न मतलब खड़ व्यक्ति, खड़ ज्ञान, ज्ञान तो है लेकिन खड़ है व्यक्ति, खड़ कैसे हो गया ज्ञान प्राप्त करके, हाँ कहते ज्ञान खड़ है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति ज्ञानी है और यदि उस ज्ञान को वितरण नहीं करता है, तो वो ज्ञान उनके अंदर खड़ उत्पन्न करता है, दृष्टता उत्पन्न करता है, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। जैसे
कोई नदी में जल है लेकिन वो यदि प्रभावित नहीं होता है तो जल गंदा हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञान को वितरण करने से वो वृद्धि होती है। प्रभावित जल तभी तक शुद्ध रहता है जब वो धारा के रूप में प्रभावित होता है। परंतु अभी देवकी कंस की कारागार में बंदी है तो इसलिए भगवान को कोई नहीं देख पाया। ये सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है तो जब वो संसार में आते हैं सारे अंधकार मिट जाता है। परंतु कारागार में बंदे रहने के कारण भोजेंद्र गए है अग्नि सिखे व रुद्धा दो तुलना दे रहे हैं कि जैसे काष्ठ के अंदर अग्नि रह गया तो उनकी शिखा को कोई नहीं देख सकता है। देख सकता है अग्नि तो है ही लेकिन प्रज्वलित नहीं है। लेकिन जब काष्ठ से बाहर निकलता है और वही काष्ठ के आश्रय लेकर के जलता है तो सब देखते हैं। अग्नि की शिखा कहां किस में जलता है वही काष्ठ के अंदर ही जलता है। तो उसी प्रकार जब भगवान किसी के आश्रय लेकर के और उसमें ही अपने प्रभाव को डालते हैं जैसे प्रभुपाद को उन्होंने इसी प्रकार शक्ति दिए उनके प्रभाव को देखे पूरा जगत के लोग देखे। विचार करके देखिए कि प्रभुपाद की कोई इतना सुंदरता नहीं था लोगों को आकर्षित करने के लिए वृद्ध अवस्था में गए ना उनकी वाणी जो अंग्रेजी बोलते थे ऐसे हम देखे तो वेस्टर्न अंग्रेज के साथ कोई ये नहीं था तुलना नहीं था। बहुत कमजोर जैसे पहले जब प्रभुपाद लेक्चर दिए बहुत जो अंग्रेज बोले सिंपल अंग्रेजी है तो उस अंग्रेज के सामने इस अंग्रेज ऐसे फीका जैसे है मोमबत्ती जैसे है हेलोजन के सामने। और तीसरा है ना प्रभुपाद के पास ना कुछ धन संपत्ति था तो प्रभुपाद किसको धारण किए थे। प्रभुपाद बोले कि मुसलमान लोग धर्म चेंज किए कैसे तलवार पर और ईसाई लोग ने धन से तो ना मेरे पास ना तलवार है ना धन है ना बल है तो उनके पास कौन से बल था। ये भगवान को हृदय में धारण किए थे यही शक्ति कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। परंतु इस ज्ञान को तभी तक लोग नहीं समझ पा रहे थे जब ये भारत में प्रचार कर रहे थे ये वृंदावन में रहते थे। ये लोग तो यही तो सोचते थे अरे ये बुढ़ा क्यों चल जाता है दिल्ली। लोग आते हैं वृंदावन में देह त्याग करने के लिए लेकिन ये बुढ़ा चल जाता है बैग उठा कर इसकी बुद्धि उल्टी हो गई है। बड़े बड़े महंत लोग भी इसे कहते थे अरे बुढ़ा क्यों जाते है तुम। सिंधिया का बन की मालकिनी भी यही से कहा अरे तुम क्यों जाते इस बुढ़ापा उम्र में तुम वृंदावन में रहो। इसलिए उनकी हृदय में जो कृष्ण था कोई उसको दर्शन नहीं कर पा रहे थे। कृष्ण से तुमार कृष्ण दिते पार तुमार सकति अच्छ क्योंकि रुद्ध थे समय और स्थिति में रुद्ध थे जिस प्रकार अभी देवकी रुद्ध है। भोजेंद्र गेहम अवरुद्ध रेच परंतु उसमें ही ये दिल्ली में भी रहते हुए वृंदावन में रहते हुए वो अपने जो छोटे से भी प्रकाश है वो वितरण किए लेकिन उस रोशनी को थोड़े लोग ही देखे समझे। जिस प्रकार देवकी की गर्भ से ये रोशनी निकल रही है परंतु ये रोशनी को कौन देखे भोजेंद्र कंस ने देखा। कैसे देखा साविख्य कंस प्रभयाजितंतरम विरोचयंतम भवनं सुचिस्मितम आहे समे प्राण हरो हरि गुहम ध्रुवं श्रितो जत्र पुरे यमित्रु से तांग विख्य उन देवकी को देख कर की कंस इस प्रकार क्या है
क्या प्रभा है? प्रभया, उसके प्रभा को देख करके ये सोचने लगा निश्चित रूप से अजित अंतराम, इसकी हृदय में अजित वो छिपा हुआ है। ये कौन है? ये कौन है? प्राण हरम में, ये मेरी प्राण को लेने वाला है। प्राण हरम में मेरी प्राण हर लेगा, ये प्राण हरने वाला है। लेकिन देवकी की शोभा इतनी बढ़ रही थी, इतनी बढ़ रही थी, बेरोचयंतम। लेकिन इसकी मन में और चिंता नहीं रहा कंस के मन में, बेरोचयंतम सुचि स्मिताम। सुचि स्मिता शब्द के अर्थ बीररागवाचार्य कहते हैं पवित्र भी है, और उनकी मुख से स्मित हास्य। देवकी भी कंस को देख करके डरी नहीं, वह हंस रही है। इसलिए तो प्रभुपाद का नाम पड़ा अभय बाबू। क्यों? भय नहीं है। ये बुढ़ापा अमर में कोई साथी नहीं था किसी को रास्केल बोल देना, इडियट बोलना, और कोई टॉलरेट करेगा? लेकिन धारण किए थे कृष्ण को अभय। तो उनकी मुख से स्मिता और रुचिराननम, मुख मंडल इतनी सुंदर लग रही थी, जैसे तो बाल पकड़ लिया था कंस ने, तो उस समय तो देवकी का हाल पूछो मत, इस प्रकार हो गई थी कोई भी। परंतु वही देवकी अभी बिल्कुल निडर होकर के कंस के सामने है, और कंस देख रहे हैं। आहे समय प्राण हरम हरीर गुहा, अरे इसके हृदय में हरी आश्रय लिया है, ये मेरी प्राण को हरने वाला है। आयो से कैसे संभव हुआ? ध्रुवं श्रितं जत्र पुरेयमि दृशिम, ये निश्चित है कि हरि ने इनकी शरण लिया है, इनकी शरण लेकर की वो मुझे मारेगा, मेरी अंतकम है। जैसे पूतना ने भी सोच रही थी ये स्वयं अनंत है, लेकिन उसको अंत करने के लिए आई थी। उल्टी बुद्धि है कि नहीं? अनंत को ये अंत करेगा? ये कैसे संभव है? ये हरि जिनकी शोभा, जिनकी प्रभा सबको आकर्षित कर लेता है, लेकिन ये कैसे देवकी के गर्भ में आ गए, कैसे आकर्षित हो गए, ये कैसे संभव है? तो उसकी बुद्धि काम नहीं किया। परंतु देवकी को देखने के कारण भगवान ने भी उसको कुछ बुद्धि प्रदान की, और जिस कारण कंस ने क्या सोचने लगा, क्योंकि तो समझ गया ये मेरे शत्रु है, मुझे मारने वाला है, लेकिन मारने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया, बल्कि अपने मन को समझाने में समर्थ हो गया। असुर लोग अपने मन को नहीं समझा पा रहे, अपने मन के ऊपर उनका काबू नहीं होता है, बस नहीं होता है, वो सबको वशीभूत करना चाहते हैं, सबके ऊपर बस बनना चाहते हैं, लेकिन अपने मन को बस नहीं कर सकते। परंतु भक्तों के सामने रहने से सद्बुद्धि आ जाता है, संयम शक्ति आ जाता है। तो कंस अभी चिंता में पड़ा है कि मैं क्या करूं, क्या न करूं, किमद्य तस्मिन करणीय आसु में, मुझे क्या करना चाहिए, तुरंत मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे शत्रु है, मुझे मानने वाला है। जदर्थ तंत्र न विहंति विक्रमम, इनकी विक्रम, विक्रम का मतलब है क्रम, स्टेप, जो कुछ हरि बा विष्णु जो कुछ इच्छा करते हैं वो पूर्ति होकर के रहता है। तो कंस ने समझ गया यदि ये सत्य है कि जो मुझे मानने वाला है वो तो मारेगा ही। बड़ी महाराज भी सोच लिए यदि ये विष्णु आया है लेने के लिए वो तो ले सकता है, इसको कौन रोकेगा? इसलिए गुरु के वचन भाड़ में जाए, उनको दे देना अच्छा है। इसलिए कहते हैं आप विष्णु हैं, आपको सबके हृदय में है विसते इति विष्णु, आप सब कुछ ले सकते हैं, इसलिए मैं सर झुका करके समर्पण करता हूं। उसकी बुद्धि बहुत अच्छी, क्योंकि भगवान सामने थे।
तो इसी प्रकार कंस ने सोचा ये ठीक नहीं है, इसको मारना ठीक नहीं है। क्यों? ये स्त्री है, इसकी बुद्धि कितनी अच्छी हो गया। देखो उस समय नहीं सोच रहा था जब आकाशवाणी हुआ कि स्त्री है, मेरी बहन है। अभी कहते स्त्रियं ससुर, ससुर मतलब मेरी बहन है। गुरु मत्यम वधोयम, अरे इसको वध करना उचित है क्या? एक तो है कि वधु है मतलब पत्नी, मतलब विवाहिता है, गर्भवती है, स्त्री भी है और मेरी बहन है। उस ज्ञान उस समय नहीं हो रहा था। वसुदेव ने एक एक संतान लेके गया, उस समय सोचा नहीं मेरी भांजा है। हाँ, और लोग भी इस प्रकार सोच सोचते, देखो कि भांजा होकर के मामा को मार दिया जब भगवान ने कंस वध किए, अरे मामा एक एक करके छह भांजा को मार दिया, उस समय कोई आवाज नहीं उठाया, ये कैसे है? ये कंस की बुद्धि कभी कभी ऐसे हो जाता है, नहीं नहीं जरासंध को बुद्धि कभी कभी नहीं, युद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन तुरंत उनकी बुद्धि बदल जाता है। ये असुरों के स्वभाव है। ये संबंध जोड़कर ही सोच रहा है मेरी बहन है, गर्भवती है और स्त्री भी है। स्त्री विवाद है ना जुगुस्पितम, शास्त्र कहता है स्त्रियों के साथ कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, हाथ उठाने तो दूर की बात है, उनके साथ झगड़ा मत करो। देखो और फिर अपने बहन के बाल क्यों पकड़ लिए थे? अब यदि इतने बुद्धि है, अकल है, तो स्त्रियों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, तलवार उठा लिए मानने के लिए नहीं। अभी भगवान उपस्थिति होने के कारण कंस ने जो जो सोच रहा था तो भगवान के निर्देशन में, भगवान उसको स्मृति प्रदान कर रहे थे। विस्मृति नहीं, मतः स्मृति ज्ञान अपोहनंच, तो भगवान के अनुग्रह से स्मृति होता है, ज्ञान होता है, संबंध की ज्ञान हुआ। इसलिए वो सोचा कि मैं एक प्रसिद्ध व्यक्ति हूं, अगर ऐसे नृशंस काम करूं तो लोग क्या बोलेंगे, मेरी जस चल जाएगा, मेरी ऐश्वर्य सब चल जाएगा और मेरी आयु भी घट जाएगा। कितना महत अतिक्रम, आगे भी कह रहे कि महत अतिक्रम करने से तीनों चीज नष्ट हो जाता है, लोग को अपजस मिलता है। लेकिन असुर कभी इस प्रकार प्रतीक्षा नहीं करते, कोई मुझे गाली दे, कोई माला पहनाए, वो तो कहते मुझे करना ही करना है, वो आगे पीछे विचार नहीं करते हैं। लेकिन आज भी कह रहे हैं कि मेरे जस मिट जाएगा, क्योंकि वसुदेव ने उनको प्रशंसा भी किया था, भोजानम जससस्करम, आप तो भोज वंश के जस हो, लेकिन था कलंक परंतु उसको इस प्रकार प्रशंसा किया। जो घमंडी व्यक्ति को आप थोड़े से प्रशंसा कर दो ना, अरे बाप, फिर देखो उनके। तुलसीदास भी कहते हैं कि यदि गाड़ा बा सरोवर में थोड़े से बारिश के जल मिल जाता है तो फिर देखो उसको पान आ जाता है, आगे बहता है, लेकिन समुद्र में इसे जल मिलने पर बारिश के जल उसको पान नहीं आता है। संकीर्ण मन वाले को थोड़ा सा प्रशंसा कर दो, ओह उसको पान आ जाएगा, क्या भाई मेरे दिल जीत लिए, मैं दिल खोल दिया, और थोड़े समय के बाद फिर दिल अप हो जाएगा। हाँ, अभी खुल जाता है फिर बंद हो जाएगा। यद्यपि मेरी काल है परंतु मैं इसको नहीं मारूंगा, हंति अनुकाल मायो। ये वास्तविक यदि कोई उल्टा काम करता है, पाप कार्य करता है, तो समय उसको सबक सिखाता है, सब मिट जाएगा। इसलिए महत अतिक्रम नहीं करना चाहिए, कौन से इस प्रकार सोच रहा है। तो ये समाज के लिए भी एक शिक्षा है कि आज इसे बुरा शब्द आप लोग ऐसे सोच सकते हैं, लेकिन ये बुरी नहीं है। आप विचार करके देखो, जो माँ ने गर्भ में मार देता है बच्चों को मेडिसिन लेकर के, नहीं तो ये कंस से भी और गिरे हुए हैं, पुतना से भी और गिरे हुए। पुतना तो उस बालकों को मारते थे जो जन्म ले चुके थे, ये पुतना असुरुणी से
और कौन से भी और गिरे हुए उनकी बुद्धि है। कहते नहीं ना हम तुम, मैं अभी नहीं मारूंगा। सए सजीवन खड़ संपरे तम बरते तजो अनंत नृसंसिते न देहे मृतें तम मनुजाम सपंती गंता तम अंधम तनुमानिनम ध्रुवम। कहते वो व्यक्ति जीवित होते हुए भी मरा हुआ है जो अपने जस के लिए वो कार्य नहीं करता है। और भागवतम में भी एक श्लोक है, प्रसिद्ध श्लोक, वो व्यक्ति जीते हुए वो मर जाता है। जीवन अपि मृत हिसा कौन है, नेहम जत्कर्म धर्माया न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवाया जीवन अपि मृत हिसा। वो जीते हुए वो मरा हुआ है। और सुखदेव गोस्वामी भी कहते हैं क्या लोहार की धोकनी श्वास नहीं लेता है, तरो वो क्यों ना जीवंती, क्या वृक्ष क्या नहीं जीते हैं, क्या ग्राम सुकर जो सोर है वो क्या बच्चा पैदा नहीं करते, यही जीवन के लक्षण है। कहते कर्म करो धर्म के लिए, और धर्म किसको कहते हैं ना तीर्थ पद सेवाया, भक्तों और भगवान के प्रति सेवा भाव नहीं है, वो व्यक्ति कितनी सुंदर क्यों ना हो, कितने प्रसिद्ध ना क्यों हो, ये सब मरा हुआ है। मृत ही स, निश्चित रूप से मरा हुआ है। जीवन अपि, केवल उनकी नाक से केवल श्वास निकलता है जैसे लोहार की धोकनी से। कहते स एस जीवन खड़ु संपरीतम बरते तो जो अनंत नृसंसिते न, जो क्रूर कर्म के द्वारा वो जीता है नृसंसिते न, उनकी कोई दया नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, इसको कहते मानवता नहीं है तुम्हारे अंदर। क्या है मानवता, कहते जिसका अंदर मानवता नहीं उसके अंदर दानवता है। देहे मृते तंग मनुजंग सपंती, ये देह तो एक दिन मरेगा और लोग भी कहेंगे बहुत अच्छा हुआ ये मरना ही चाहिए था। यहां तक कि रावण की पत्नी ने जाकर के कहे तुम ना मर कर के बहुत अच्छा किए, लंका को तो विधवा बना दिए, हमको भी विधवा बना दिए, लेकिन तुम ऐसे कर्म किए आत्मा नरक है, तब तुम्हारा आत्मा नरक में जाकर के इस पर कष्ट भोगेगा। क्या करें हम लोग, बहुत तो समझाए थे, परंतु कंस अभी खुद ही समझ कर ही कह रहे कि गंताम तमंधम तनुमानिनम ध्रुवम। ऐसे व्यक्ति जो ऐसे कर्म करता है वो निश्चित रूप से कहां जाएगा, तम अंधम ध्रुवम, ये निश्चित है वो नरक लोक जाएगा। अंधतम प्रविश्यन्ति, ये इस उपनिषद में एक मंत्र है। जो आत्मा हनना जना, जो आत्म कल्याण के लिए कार्य नहीं करता है उस व्यक्ति निश्चित रूप से नरक जाएगा, इसकी कोई सिग्नल चेंज नहीं कर सकता है, उसके पासपोर्ट कोई नहीं चेंज कर सकता है। अदांत गोभी विशताम तमेस्त्रम पुनः पुनः चर्बित चर्बणानम, इसको कितने लोग भी समझाए पहले भी, परंतु मति इसकी नहीं है, ठीक नहीं है, दिमाग गड़बड़ी है, एंटीना काम नहीं करता, कैसे पिक्चर को पकड़ेगा। इसलिए ने प्रहलाद जी कहे मतेर्न कृष्ण परतो सतोबा मिथ्यो विप्रदेत गृह व्रतानम अदांत गोभी विशतम तमिश्रम पुनः पुनः चर्बित चर्वणानम। इसको संत लोग आकर के समझाए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन किए, मंदिर को बुलाए, लेकिन इसका क्या प्रयोजन, कि मति किसमें लगा है, हाँ वही चमड़ी में लगा है, चमड़ी की दमड़ी में लगा है। गृह अंधकूपम, होम को उन्होंने क्या बना दिए, पैराडाइज, ईस्ट और वेस्ट माय होम इज द बेस्ट। लेकिन प्रहलाद जी कहते अंधा कुआं है, लाइट नहीं है बिल्कुल, ना पानी है, ना प्यास बुझेगा इससे। तो इसी प्रकार कंस ने अपने मन को समझाए
और इस प्रकार पाप कार्य से स्वयं को अपने को निवृत्त किए, कोई जाके फोर्स नहीं किया, अरे भैया मत करो इसे, उसके तो सब असुर सहयोगी थे परंतु कंस अकेला था, इसलिए भगवान विनिमय किए और देवकी को वो ठीक रूप से देख सका। इसलिए जो भक्तों के सम्मुख में रहता है वा ज्ञान की सम्मुख रहता है, ज्ञान खड़म, यहां पर खड़ नहीं है कंस के लिए, देवकी खड़ नहीं है, क्योंकि जो उनकी ज्ञान के सहारा नहीं लिए तो वो खड़ हो गए। परंतु यहां कंस ने सुविचार में उपस्थित हो गए, नहीं यही करना चाहिए मुझे। इति घोरतमाद भावा सन्निवृतं स्वयं प्रभु आस्ते प्रतीक्षं तज्जन्मं हरे वैरानुबंध कृत। उन्होंने निवृत्ति हो गए, प्रतीक्षा किया जन्माष्टमी तक। आप सोचो हमारे मन में इसे कंस जैसे भावना है, उन्होंने कैसे सोचा कि मुझे जन्माष्टमी तक निर्जला रहना है। हाँ पानी नहीं पिया, वर्णन है पानी नहीं पिया, क्योंकि उसके शत्रु आ गए, भय से उन्हें मार देगा मार देगा मार देगा, और निसिंचन करने लगा, कतना संविशेतम, कैसे कैसे देखो कैसे चिंतन कर रहा है कंस, कह रहे डिवोटी भी नहीं कर सकता इसे, कंस जैसे चिंतन कर रहा था। हाँ वो समाधि में उसका मन लग गया था, कैसे आसीनं संवितिष्ठन् भुंजन् पर्यटन् महिम चिंतयानं हृषीकेशं अपश्यतन्मयं जगत। आसीनम जब सिंहासन पर बैठता था, मेरे शत्रु है, हे देवकी गर्व में महाराज ये राज्य, अरे सब छोड़ मेरे शत्रु है इधर, सिंहासन पर बैठे बैठे आसीनम, फिर कहते हैं संबिसन, फिर कभी कभी लेट निकल जाता, क्या चिंता बढ़ गया है महाराज थोड़ा सा विश्राम करो, अरे नहीं नहीं आया मुझे मरने के लिए, अभी कहां सो, फिर उठ के बैठ जाता था आसीनम सोते हुए, फिर कहते तिष्ठन, कभी कभी खड़े होते हैं, आगे तो नहीं आ जाएगा, अभी खड़ा हो गया एकदम खंबा जैसे, उस समय भी चिंतन करने लगे, फिर भुंजाना भुंजाना खाते समय, अरे नहीं अभी खा नहीं पाया, कहते भुंजान खाते समय कृष्ण का चिंतन आ गया, कैसे ये दासिया बौरी नहीं था, है ना, पानी भात में भी देख लिया उन्होंने, साग कहता और नहीं खाऊंगा, ये तो ठाकुर जी जगन्नाथ, लेकिन ये भात उठाते ही शायद ब्रजवासी रोटी बनाते हैं ना, तो रोटी में देखा कि कृष्ण आ गए भाई, ये विष्णु है, ये गदा पकड़ा है मार देगा अभी, भुंजाना फिर पर्यटन महिम, और कभी कभी पृथ्वी पर घूमते थे, कहता नहीं यहां भी है यहां भी है, कभी भी आ जाएगा सब जगह, चिंतयनम ऋषिकेशं अपश्यतन्मयं जगत। इस प्रकार हो गया जैसे एक महाभागवत भक्त का तन्मय जगत, जगत को देख करके केवल स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति सर्वत्र है तार इष्टदेव स्मृति। ये तो इष्टदेव नहीं था, उनके आराध्य नहीं था, शत्रुदेव स्मृति, शत्रु के रूप में स्मरण करने लगा, सब जगह सब जगह, कहां जाओ कोथा जाबो कोथा बाबो, ये भाव नहीं है तो लेकिन शत्रु है शत्रु है, ये आ गया आ गया। इसलिए सातवां स्कंद में कहते हैं कि किसी भी प्रकार कतमम अपि, किसी भी प्रकार मन को यदि कृष्ण में लगाते हैं क्या होगा, वो श्लोक क्या है, उसके पहला श्लोक क्या है, नहीं उसका पहले कतम कतरम अपि बेण स्यात्, बेण का क्यों नहीं हुआ, यदि कामात क्रोधात भयात दोषात, बस तस्मात केनोपायन मना कृष्ण,
ये मन को उसमें कृष्ण में किस प्रकार निवेश करना है। भयात कंस कामात गोप्या बहुभंग तत् गतिम गता, ये श्लोक है। इसी प्रकार कितने लोग हैं, बहुभंग तत् गतिम गता पूर्व श्लोक है, ऐसे बहुत लोग अपने अपने गति को प्राप्त कर लिए। तो कहते सम विषम तिष्टन भुंजन पर्यटन आसीनम चिंतयन, इस प्रकार चिंता में मग्न हो गया। फिर भी ये चिंतन तो भगवान की कर रहा था, तो आप फिर सोच सकते हैं भयात कैसे हैं, भयात कंसत, क्योंकि शत्रु के रूप में देख रहा था और मरना और मारना ये भाव रहता है। इसे चिंतन करने के कारण शुद्ध हो गया, लेकिन मन उसके भद्दा रहा क्योंकि डुप्लीसिटी है, मैं मारूंगा मैं मर जाऊंगा, ये सोच रहा था नहीं मैं तो मार दूंगा उसको, मार दूंगा, लेकिन फिर डरता था नहीं मर जाऊंगा मर जाऊंगा। परंतु सब जगह केवल विष्णु को देख रहा था, कहते तन्मय जगत, उसकी मन में केवल विष्णु बसा हुआ था। और इस प्रकार कंस की स्थिति साइड में रखकर सुखदेव को संग छोड़ो, ये कंस भी जो भी करना करो, लेकिन देवकी के गर्भ में जो प्रकाश निकल रहा है उस प्रकाश के आश्रय कौन लिए। कहते ब्रह्मा शिव और नारद आदि मुनि और देवेशानुचरी और देवता से बड़े बड़े इंद्र चंद्र वरुण ये सब अपने अपने अनुचर के साथ साकम भ्रुसमंडित गिरभी, इनकी वाणी जो था गिरा व गिरभी स्तुति स्तुति से भ्रुषणम, वो कैसे उनकी स्तुति है, किसको किए ना जो समस्त प्रकार के वरदान करने वाले हैं। और इनकी वाणी भी ऐसे था जैसे कि भगवान रिझ जाए। एडयन शब्द क्या है, एडयन, उन्होंने इस प्रकार भगवान को पूजा किए, आराधना किए। किस प्रकार आराधना किए बोलिए मेरे पीछे, सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं मृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं तं शरणं प्रपन्नः तो ये शब्द हैं कि सत्यात्मकं त्वांग त्वाम सत्यात्मकम शरणं प्रपन्ना, हम आपकी शरण में हैं। कौन कह रहे हैं, सारे देवता ब्रह्मा शिव इंद्र और नारद आदि मुनि भी सब अपने अपन अनुचर के साथ ये बहुवचन में है प्रपन्ना, हम सब आपकी शरण में हैं। ये बात कौन उनको बताए कि देवकी के गर्भ में भगवान आए हैं, कौन बताए, कोई फोन किया था, कोई मेल भेजा था, कैसे, क्योंकि जब सत्य प्रकट होता है सत्य को आश्रय करने वाले के सामने सत्य छिपा नहीं रहता है, क्योंकि देवता लोग पहले गए थे भगवान के पास ये पृथ्वी की भार को हरण करने के लिए, स्वयं पृथ्वी माता गोरूप धारण करके अपने बेटा ब्रह्मा जी को साथ लेकर के प्रार्थना किए थे। इसलिए भगवान जो आकाशवाणी किए थे कि मैं प्रकट होऊंगा ये पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए, मैं कहां प्रकट होऊंगा, जदुवंश में, तुम लोग सब जदुवंश में पहले से प्रकट हो जाओ, इस बात को सत्य करने के लिए आए, इसलिए उनको कहते हैं सत्य व्रत। व्रत का मतलब क्या है, संकल्प, जो संकल्प लिए हैं, क्या संकल्प लिए हैं, विनाशाय च दुष्कृतम परित्रणाय साधुना, ये भगवान के संकल्प हैं।
नामे भक्त प्रणश्यति, ये भी भगवान के संकल्प है, इसकी कोई विकल्प नहीं है, इसकी कोई अनुकल्प नहीं है, ये केवल संकल्प जो कर दिए उसके कोई बाल बांका नहीं कर सकता। करो देखो, हिम्मत है प्रहलाद को देखो, भान का कोई कुछ नहीं कर सकता बेटा, रहा तेरे होकर। फिर हिरण्यगर्भ से, अरे साला कुत्ता का पूछ कभी तो टेढ़ा थोड़ी होता है, सीधा थोड़ी होता है, टेढ़ा है, छोड़ो इसकी। वो समझाने के बाद इसका आया बुद्धि कि कुत्ता का पूछ सीधा नहीं होगा, टेढ़ा है, हार गया। इतनी तपस्या करके बल कमाया था बेटा के सामने, कि भगवान के संकल्प है, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरी भक्तों का विनाश नहीं हो सकता है, और मैं भक्तों के साथ साथ रहता हूं, अधीन रहता हूं, सुदर्शन चक्र साथ में है, उनकी दर्शन भी, भीजन भी भगवान है, वो देखता है भगवान को, सब सर्वत्र देखता है, इसलिए सुदर्शन उनके साथ रहता है। अम्बरीश महाराज के पास सुदर्शन पहले रहा, इसलिए वो नहीं देखा कृत्या को, वो तो भगवान को देख रहा था और डरा नहीं, वो कृत्या गए। ये सत्य व्रत है, इसमें न सत्य है, न सत्य की व्याख्या कर पाएंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन दूसरा है कि सत्यम परम त्रिसत्य, नेक्स्ट है त्रिसत्य। भगवान सर्व काल में सत्य हैं, प्रलय के पहले, प्रलय की बात और सृष्टि के समय, यदि हैं त्रिसत्यम त्रिसु अपि कालेषु सृष्टे पूर्वम प्रलय अनंतरम च स्थिति समय च सत्यम अव्यभिचारिण, ऐसे हम कहते हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। और भगवान सभी स्थिति में है, वेदाहं समतितानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मांगतु वेदन कश्चन। हम काल की घटना भूल जाएंगे, लेकिन भगवान जो काल रूप में है वो कालकाजी में नहीं जाते हैं, वो देवी के नहीं है कालकाजी, कालकाज था नहीं, भगवान तीन काल को जानते हैं, इसलिए त्रिकालदर्शी, त्रिसत्यम। और इसलिए कहे अर्जुन तुम भूल जाते हो, तुम्हारा और मेरे क्या रिश्ता है, बहुनी में व्यतीता नहीं, तुम्हारा मेरी रिश्ता बहु जन्म से है, तुम भूल गए, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा तुमको, मैं रिश्ता पकड़ लिया। तो तीन सत्य में भगवान है, इसलिए वो तीन सत्य को स्मरण करना चाहिए, सत्यम परम धीमहि, बुद्धि के द्वारा विचार करके उस सत्य को ध्यान करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, यही सत्य है। यदि भगवान को हम प्रेम करने की योजना नहीं बनाते हैं, वही सत्य काल के रूप में आएगा। हिरण्यकश्यप अवॉइड कर रहा था ना, कहते मैं जाऊंगा तेरे बाप के पास, वो मानता नहीं है, क्योंकि मुझे जानता नहीं है कि मैं काल के रूप में हूं, इसलिए मैं जाऊंगा उसके साथ, इसलिए गए उसके पास। त्रिसत्य सत्य के रूप में प्रकट हुए, कालोस्मी, मैं तो काल के रूप में सत्य हूं, सबको नष्ट करता हूं लेकिन सुरक्षा करता हूं, ये काल है, ये दृष्टि है, एक दृष्टि से भगवान नष्ट करते हैं, एक दृष्टि से पोषण भी करते हैं। सूरज की रोशनी जब कमल पर पड़ता है तो इसके पोषण होता है, लेकिन वही कमल जब पानी से निकल जाएगा उस दृष्टि से सुखाते कि नहीं। तो भगवान की आंख भी सूर्य और चंद्रमा है कि नहीं। जच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणम राजा समस्त सुर मूर्ति अशेष तेजा जस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्र। तो काल के द्वारा भगवान विनाश भी करते, सूर्य की रोशनी जैसे विनाश कर दिए, क्योंकि अवॉइड कर दिए। लेकिन भगवान कहते हैं जो मेरे भक्तों के साथ रह करके मेरे विषय में चर्चा करते हैं, मैं एक क्षण भी उसको नष्ट नहीं कर पाता हूं। आयु हरन्ति वही पुंसाम उदय अस्त जलन असो तदर्थम न क्षणम अपी उत्तम श्लोक वर्तय। अर्थात वही सूरज जब भक्तों की साथ भगवान की वार्ता में रहा तो सूरज पोषण करता है,
और जब भक्त संघ से चल गया तो माया इसको शोषण कर लिया, शोषण इस प्रकार कर लिया, मन सूख गया, फ्रस्ट्रेट हो गया, सुसाइड कर लिया, है कि नहीं। आज कितनी प्यार हो गया, इतनी हुआ, फिर देखो फ्रस्ट्रेट, ये शोषण हो जाता है। इसलिए एक आंख सूरज है, एक आंख में चंद्रमा है, चंद्रमा शीतलता प्रदान करता, भक्तों के लिए शीतलता। आज जितनी सारी ये सत्य है, वो सत्य से परम है, भगवान श्रेष्ठ सत्य है। मतः परतरंग नान्यात, यही एक सत्य है। कहते वही सत्य के हम शरण में हैं, सत्यस्य जोनी। तो श्रीधर स्वामी कहते सत्यस्य जोनी मतलब जहां सत्य निकलता है, जोनी का मतलब है आश्रय, उद्गम स्थल। तो श्रीधर स्वामी टीका में लिखते हैं त्रिसत्यम त्रिषु अपि कालेषु सृष्टि सत शब्देन पृथ्वीव्या आप्त तेजांसि तत् शब्देन व्याप्य आकाशौ एव सच्च त्वच्चम सत्यम भूत पंचकम पंचभूतम। जो सत्य से ये पंचभूत निकलता है, ये असत्य नहीं है, जगत असत्य नहीं है, लेकिन जब आप भगवान से अलग देखते हैं वही है माया। तद अविद्या आत्मनं मायां रुत्तेत जत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। तद अविद्या आत्मनि माया। माया क्या है? इससे हड्डी को, मांस को, चमड़े को देखते हैं, इसमें डिजाइन को देखते हैं, ये रूप है, लेकिन इसमें स्वरूप नहीं है, स्वरूप तो अंदर छिपा हुआ है। जो स्वरूप के साथ भगवान के संबंध है, रूप के साथ नहीं है। न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्त न चादि न संप्रतिष्ठ अस्वस्थमेनम सुविरूढ मूढ़ असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। इसको काट डालो, इसके साथ मेरे कोई संबंध नहीं है, ये भिन्ना प्रकृति अष्टा, ये मेरी भिन्ना है, जो अलग हो गए। ऐसे कहते ना, शादी करने के बाद भाई भाई भिन्न हो जाते, अलग हो गए हमारे साथ। तो इसी प्रकार साथ में रहे तो विकास होता है, सबके साथ सबके विकास। लेकिन भगवान किसको साथ में रखना चाहते हैं? भिन्ना प्रकृति को नहीं। भिन्ना प्रकृति यदि साथ में जोड़ जाए तो उसके भी कल्याण होगा, विकास होगा। लेकिन हम भिन्न सोच करके भगवान से हमारे नाता तोड़ देते हैं। इसलिए कहते तद अविद्या आत्मनि माया, ये अपनी समझ की गलत है, गलत समझ है। इस गलती के कारण हम लोग सब सफरिंग कर रहे हैं, सफरिंग। क्योंकि जो समझ को ठीक कर लेता है तो सब कुछ भगवान को अफरिंग कर देता है। मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिलु तयापद नंद किशोर। कहाँ ये रूप है, कहाँ गुण है, कहाँ मेरी बैंक बैलेंस है, कहाँ गाड़ी है, कहाँ बाड़ी है, सब आपकी दिया हुआ चीज। इसलिए जो पंच महाभूत आदि जहां से निकलते हैं, ये जोनी है, ये सत्य को समझना चाहिए, नहीं तो माया के चक्कर में भटकते रहेंगे। तो सत्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम, नेत्र की अभाव हम विचार करें, जिनकी दृष्टि सत्य है। भगवान की दृष्टि क्या है? समहं सर्व भूतेषु न मे दोषी अस्ति न प्रिय। तो भगवान का दृष्टि है समदर्शनम। और भगवत गीता में भगवान कहते जो मेरी वास्तविक भक्त है उसके अंदर समदर्शन रहता है। ये नहीं है कि ये बहुत बड़ा भक्त हैं तो उनको हम बहुत बड़ा माला पहना है। वास्तविक जीव के एक व्यवहार में कुछ हो सकता है, लेकिन दृष्टिकोण रहे समदृष्टिकोण। गीता में छठा अध्याय में भगवान कहते हैं समदर्शनम, क्या है? नहीं, और एक श्लोक है, नहीं वो नहीं, पांचवा अध्याय, छठा अध्याय में है वो समदर्शन। क्या है?
आत्मा उपमेन सर्वत्रम जो मंग पश्यति सर्वत्र आत्मोपमेन जो मुझे सर्वत्र देखता है आत्मोपमेन सर्वत्र जो मंग पश्य हाँ बोलो दुख सजोगी परम मत आत्मोपमेन सर्वत्र उसका नेक्स्ट श्लोक नहीं उसके पहले पिछले वाला सर हाँ सजोगी मई वर्तते यही है आत्मोपमेन सर्वत्र सबको समान दृष्टि में देखते हैं आत्मवत सर्व भूतेषु तो जीव को उसी प्रकार भगवान भी समदृष्टि प्रदान करते हैं तो फिर विषमता से विषमांग मतिन नृणाम मनुष्य की जो विषमता है जो बीस जहर चढ़ता है यही केवल ड्यूअलिटी से पूतना क्यों चढ़ाई थी क्योंकि ड्यूअलिटी थी अंदर कुछ थी बाहर कुछ देखा है कि नहीं बीस इसलिए चढ़ा ना मृत्यु को प्राप्त तो भगवान थोड़ा परीक्षा निरीक्षा भी किए सच में कुछ अच्छी भावना तो थी मां बनने का इसलिए बना दिए जोग माया और सबने कहा रे हट जाओ लक्ष्मी जी आ गई हैं अपने पति को दर्शन करने के लिए आई हैं देख नहीं रहे कि हाथ में कमल पकड़ी है लेकिन स्तन में जहर भरी है उसको कोई देख रहा था ये तो गोपन था लेकिन ओपन तो था कमल तो कभी कभी हम मुंह खिला करके हंस देते हैं है कि नहीं बहुत अच्छा है लेकिन हृदय में जहर भरा है किसको मारने के लिए किसको सताने के लिए इच्छा ये जहर जैसे काम करता है और उसको मोक्ष देने वाला केवल कृष्ण ही है यदि कृष्ण के पास आए तो यहां ये कह रहे हैं कि सत्यस्य नेत्रम जिसकी दृष्टि में विषमता नहीं है अंदर कुछ बाहर कुछ ऐसे नहीं है और दूसरा क्या है सिद्धार्थ में लिखते हैं दूसरे के उपकार हितेशी दो शब्द हैं सत्यस्य नेत्रम हाँ रुत सत्य नेत्रम रुतम स्वनृत वाणी सत्यम समदर्शनम और जिनकी वाणी बहुत अमृतमय है सबके कल्याण करने वाले हैं अब जानते हो वाणी की भाई हम जैसे कहते हैं ना बोली कैसे होनी चाहिए चाणक्य पंडित का और एक श्लोक क्या है हाँ सत्यम सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात तो वाणी सत्य होना चाहिए और प्रिय होना चाहिए लेकिन प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जब गुरु किसी शिष्य को डांटता है कुछ ऐसे वो प्रिय न होने पर भी हित है सत्यम च हितम ऐसे क्या है बाघी बाघनीता सत्यम च प्रियम च बाघी बाघनीता ये वाणी की अलंकार है सत्य बोलो अमृतमय उसकी हित होने वाला हो मेन चीज है हित चिकनी चुपड़ी बातें कह करके अपना फायदा उठा लेना वो कोई सत्य नहीं है सत्य होने चाहिए कभी कभी कटु भी हो सकता है लेकिन सबको डाइजेस्ट नहीं होता है ये सत्य क्योंकि सब अपने उपकार नहीं चाहते हैं कभी कभी डॉक्टर ऑपरेशन करता है परंतु रोगी को टॉलरेट नहीं होता कभी लात मार देता है गाली फेंकता है मैं भी अग्रेशन हॉस्पिटल में था 2012 में तो राधाकुंड प्रभु भी उसमें थे तो उनके हड्डी में इंजेक्शन नहीं जाता था ऐसे हो गया था प्रभुपाद डिसिपल तो वो नर्स आकर की उनको कहते प्रभु जी जस्ट टॉलरेट फॉर 5 मिनट 3 इंजेक्शन देख मैं चल जाऊंगी जस्ट 3 इंजेक्शन टॉलरेट 5 मिनट तो कहते ओके आई विल ट्राई नरसिंह देव फिर लास्ट में एक जाता है रास्केल टॉलरेट नहीं होता हालांकि वो जानते थे ये मेरी फायदा के लिए है लेकिन टॉलरेट नहीं हो पा रहे नहीं जाए उनके तो ये तो है सिचुएशन लेकिन कभी कभी लोग यही सोचते हैं कि हमारे कोई थैंकफुल वचन हो और कड़वा हो जाते हैं तो
बहुत फैन है लेकिन कभी कभी बहुत हीटर भी हो जाता है। ये हमारे बहुत फैन है, डियर एंड नियर है, और थोड़े सत्य वचन बोलो सब चल जाते हैं। हो गया फैन की हवा कम हो गया, अभी गर्मी हवा निकलने लगी। तो भगवान की दृष्टि हमेशा ही सत्य है, चाहे पुतना को मार दे परंतु सत्य तो ही माँ की गति प्रदान करने वाले है ना। तो भगवान की दृष्टि में हम लोग सुरक्षित रहें, और सारी हैं कि हम लोग प्रपन्न नाम इनकी शरण में रहें, क्योंकि भगवान की दृष्टि जो है ना वो कभी भी किसके अकल्याण नहीं करता है। जैसे सूरज की रोशनी गंदगी में भी पड़े लेकिन उसको शुद्ध करके उस गंदगी से शुद्ध जल लेके आ जाता है, तो उसकी जो गंदगी है वहीं पड़ा रहता है। तो उसी प्रकार जीव के अंदर जो गंदगी है उसकी पर यदि भगवान की दृष्टि पड़े उस दृष्टि से ये गंदगी ही रह जाएगा, लेकिन शुद्ध चीज को भगवान अपने पास ले आएंगे। इसलिए विनाशाय च दुष्कृताम का मतलब है भगवान केवल दुष्कृति को नष्ट करते हैं, उनको सुकृति को ग्रहण करके अपने पास ले आते हैं, इसलिए उनकी शरण में रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल।